गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। मेरा नाम है माली राम, दुनिया भर में है मेरा नाम। आई एम योर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश। आई एम द बेस्ट टीचर इन द एंटायर वर्ल्ड। आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंग्लिश। बच्चों, मैं तुम्हें इंग्लिश में ऐसा बना दूंगा कि तुम फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। सर, हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे कैसे? हमें तो इंग्लिश की स्पेलिंग्स याद ही नहीं होती। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे स्पेलिंग्स याद हो जाए। ओह, इट इज टू इजी। ये तो मेरा चुटकियों का काम है। ये देखो मेरा तरीका। मैं तुम्हें हिंदी की बारकड़ी से इंग्लिश में स्पेलिंग्स बनाना सिखाता हूँ। जैसे अपन हिंदी में क को के क लिख सकते हैं, ख को के एच ख लिख सकते हैं, ग को जी ए ग लिख सकते हैं और घ को जी एच ए घ लिख सकते हैं। इस तरीके से इन शब्द को जोड़ जोड़ के अपन इंग्लिश में स्पेलिंग्स बना सकते हैं। और तुम्हारा नाम बताओ, ट्राई करते हैं। रमेश। रमेश, रमेश के र के लिए आर ए र, मे के लिए एम ई मे और श के लिए एस एच श। रमेश। और तुम्हारा नाम बताओ। रोहित। रोहित में छोटी ई या बड़ी? छोटी। छोटी। तो रोहित के रो के लिए आर ओ रो, ही के लिए एच आई ही और त के लिए टी। रोहित। अगर तुम्हारे नाम में बड़ी ही होती तो आई की जगह अपन डबल ई लेते, जैसे आर ओ एच डबल ई टी, रोहित। और इसी तरीके से डी आई जी डिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। सर, फिर इस तरीके से डिस्को का डी आई एस सी ओ होगा ना? हाँ। वाओ, ये तो बहुत आसान तरीका है। अरे सर, आप तो हो बहुत महान। आपने दिया है हमें अच्छा ज्ञान। थैंक यू, थैंक यू। अब इस तरीके से तुम हमेशा स्पेलिंग से याद करना, मैं कल आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। तो बताओ बच्चों, तुमने कल क्या याद किया? सर, मैंने स्ट्रीट की स्पेलिंग याद की है, एस टी आर डब्ल्यू टी, स्ट्रीट। गुड। मैंने डिश ही याद करी, डी आई एस एच। ग्रेट। और मैंने फिश, एफ आई एस एच। गुड। और मैंने डॉग, डी ओ जी डॉग। एक्सीलेंट। देखा बच्चों, इस तरीके से तुम्हें स्पेलिंग से याद हो रही है ना? सर, मुझे कुछ पूछना है। पूछो। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब तारा होता है। और सर, मून का? मून का चांद। और सर, नाटूरे का मतलब क्या होता है? नाटूरे, ये शब्द कहाँ से आया? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। इसका तो मुझे अर्थ भी नहीं आता। अब इन बच्चों को नहीं बताया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करता हूँ, आज एक कहानी बना के इन बच्चों को उसमें उलझा देता हूँ। बच्चों, मैं तुम्हें आज एक मजेदार सी कहानी सुनाता हूँ। लगता है सर को नाटूरे का अर्थ नहीं आता। पूछ। सर, नाटूरे का अर्थ बताओ, हमारे ज्ञान का दीप जलाओ। अरे पहले सुन लो ये कहानी, इसमें भरे पड़े हैं राजा और रानी। नहीं सर, पहले नाटूरे का अर्थ बताओ। पहले कहानी। पहले नाटूरे का कहानी। नाटूरे कहानी। नाटूरे। ये लो, पीरियड लग गया, अब मैं कल आता हूँ। सर की ना सुनो अब कोई कहानी, नाटूरे नाटूरे बोल के याद दिला दो उनको नानी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन। सर, आज तो नाटूरे का अर्थ बताओ। बच्चों, मैं अभी अभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस से आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हारे फर्स्ट टर्म पास ही है, तो मुझे तुम्हारा सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना है। तो जल्दी से बुक निकालो और मुझे चैप्टर कराने दो। नहीं सर, पहले नाटूरे का अर्थ बताओ। मैं कैसे जैसे करके तो स्पेलिंग याद करने लगा हूँ। पहले चैप्टर नाटूरे का। चैप्टर नाटूरे। डोंट बीट अबाउट द बुश। पहले मुझे चैप्टर कराने दो। नहीं सर, पहले नाटूरे का अर्थ बताओ। पहले चैप्टर नाटूरे। चैप्टर नाटूरे। ये लो, तुम्हारी फालतू की बकवास के चक्कर में आज फिर से भीड़ लग गया, अब मैं कल आता हूँ। लगता है सर को नाटूरे का अर्थ नहीं आता। अगर सर नाटूरे का अर्थ नहीं बताते हैं तो उन्हें पढ़ाने नहीं देंगे, फिर ना सिलेबस होगा ना हमें पढ़ना पड़ेगा। ठाले बेटे क्या करे, लाओ अपना कान, नाटूरे का अर्थ पूछकर सर को करे परेशान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। सर, आज तो नाटूरे का अर्थ बता दो।
अरे यार, नाटूरे का अर्थ पूछ के तो ये बच्चे मुझे क्लास ही नहीं लेने देंगे। एक काम करता हूँ, सिरदर्द का बहाना बना के क्लास ही नहीं लेता हूँ। बच्चों, आप सब बहुत प्यारे हो, मेरे दुलारे हो। आप सब हो बहुत होशियार, मेरे सिर में हो रहा है दर्द जोरदार। आज खुद ही करो पढ़ाई, फिर मैं करूँगा तुम्हारी खूब पढ़ाई। ऑलराइट, हमें भी तो ये चाहिए था। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। सर, आज तो नटूरे का अर्थ बताओ। बच्चों, आज हो गया है मुझे कोई जरूरी काम, आज भी करो आप सभी आराम। क्लास में बनाए रखना शांति, लड़ाई दंगा करके मत कर देना क्रांति। अरे वाह, अब हमें भी मिल गया है मौका, क्लास में ही लगाते हैं चौका। अब आएगा खूब मजा, न देगा कोई सजा। कौन कर रहा है इतना शोर, किसको आ रहा है पढ़ने में जोर? कहाँ गए तुम्हारे गुरु, अभी तक पढ़ाना नहीं किया उन्होंने शुरू? सर है हमारे माली राम, रोज हो जाता है उन्हें कोई ना कोई काम। बट वो तो आ रहे हैं रोज स्कूल, फिर क्यों क्लास न लेने की कर रहे हैं भूल? अरे ओ सर माली राम, क्या कर रहे हो आज के लिए काम? कोई ना कोई मौका कर लेते हो तलाश, नहीं लेते हो बच्चों की क्लास। अगर बच्चों को नहीं करोगे ट्रेंड, तो मैं आपको कर दूंगा सस्पेंड। या तो करो ढंग से काम, या आपको दे दूंगा परमानेंट आराम। ओके सर, मैं लगा दूंगा पूरा जोर, कोई भी बच्चा नहीं रहेगा कमजोर। ओके। अरे यार माली राम, हो गया तेरा तो काम तमाम, कहां से आया ये शब्द नाटू रे? इसने तो कर दिए सारे काम बुरे, अब मैं कैसे लूंगा कल क्लास? हो गया मेरा तो सत्यानाश। अब हो गई है शाम, सब्जी लाने का करता हूँ मैं काम। सब्जी मंडी। अरे यार माली राम, आजकल कहाँ करते हो काम? स्कूल मुझे मिली है गुरुकुल, जो वास्तव में है वंडरफुल। ईस्ट हो या वेस्ट, गुरुकुल के रिजल्ट रहते हैं सबसे बेस्ट। बात तो है आपकी बिल्कुल सच्ची, स्कूल मिल गई है आपको बहुत अच्छी। परंतु कौन सा काम है आपका अटका, जिससे आपका मुंह है लटका? अरे यार, एक बच्चे ने पूछा है मुझसे एक शब्द का अर्थ, जिससे हो गया मेरा जीवन व्यर्थ। सुनो भाई लोकेश जी, आप भी तो पढ़ाते हो अंग्रेजी, मुझे एक शब्द का अर्थ बताओ, इस मुसीबत से निजात दिलाओ। नाटूरे की क्या होती है हिंदी, बता दो यार, और मिटाओ मेरे कलंक की बिंदी। नाटूरे, ये क्या होता है भला, ये शब्द तो आज तक सुनने को ना मिला। स्पेलिंग भी तो बताओ इसकी भले इंसान, ताकि गूगल से मिल सके इसका ज्ञान। स्पेलिंग तो मैं इसकी पूछना ही भूल गया, कैसे मेरा दिमाग उस समय झूल गया। अरे लोकेश जी, आप हो मेरे सबसे अच्छे यार, आप हो बहुत होशियार। अब मैं जैसे ही लूंगा कल क्लास, हो जाएगी मेरी पूरी आस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। सर, आज तो नाटूरे का अर्थ बताओ, वरना क्लास से वापस जाओ। बताता हूँ, मैं भी हूँ इंग्लिश का किंग, पहले बताओ मुझे इस शब्द की स्पेलिंग। NaTuRe, नाटूरे। नेचर को इंग्लिश का है तुझे अधूरा ज्ञान, नेचर को नाटूरे बोलता है तू नादान। तूने लिया है मेरा पूरा मजा, चल प्रिंसिपल के पास, दिलाता हूँ तुझे सजा, चल। प्रिंसिपल सर, ये लड़का जिसका नाम है आकाश, ये करता है बहुत बकवास। नेचर को बोलता है ये नाटूरे, इसने लिए है मेरे मजे पूरे। अरे ओ लड़के आकाश, क्लास से करता हूँ तेरा निकाश, एसी की तीन कम देसी, बनवाता हूँ अब मैं तेरी टीसी। अरे सर, करता हूँ मैं आपको प्रणाम, मत काटो मेरा नाम, वरना मेरा फुटूरे खराब हो जाएगा। फुटूरे? हाँ फुटूरे, FUTURE, फुटूरे। फ्यूचर को मत बोल तू फुटूरे, अंग्रेजी के ज्ञान में तो अधूरे। ये ज्ञान तूने कहाँ से पाया, नए नए शब्द कहाँ से लाया?
ये तो सर की बालखड़ी का कमाल है जिससे मेरा ये हाल है। हो गया इंग्लिश कभी बारकड़ी से नहीं सीखी जा सकती, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से सीखे जा सकते हैं। इन इंग्लिश प्लूरल ऑफ फुट इज फीट बट प्लूरल ऑफ बूट इज नॉट बीट। प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीओ इज टू, डीओ इज डू बट जीओ इज नॉट। कभी डांट कर सर ने फिर प्यार जताया, कभी रोक टोक कर हमें चलना सिखाया। तो कभी ब्लैक बोर्ड पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया, तो कभी ढाल बन करके हर मुश्किल से हमें लड़ना सिखाया, हमारे हक के लिए भी लड़ना सिखाया। कभी गलती बताकर तो कभी गलती छुपाकर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया। तो कभी माता पिता बन दी सलाह, तो कभी दोस्त बन हौसला बढ़ाया। आज कहते हैं उन टीचर्स को बड़ा सा थैंक यू जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। बहुत खूब बच्चों, देखा आप लोगों ने कि आपके स्कूल के बच्चों ने ये जो प्रेजेंटेशन